अखा च एदे जुल्मां दी तस्वीर मेरी अखा च अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। आज बड़ी सर्च के बाद एक ऐसी फिल्म लेके आया जिस फिल्म के बारे मेरा दावा कि बहुत कम लोग इस फिल्म के बारे जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म का नाम ही नहीं सुनिया होगा। मैं दावे नाल कहना वा अज जिहड़ी सुल्तानराज की फिल्म लैके मैं तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहा हूँ, बड़ी सर्च के बाद उस फिल्म का नाम है शिनाख्ती कार्ड। यह नाम ही सुन के तुम यार चौंक गए हो गए कि शिनाख्ती कार्ड भी कोई फिल्म का ना होता है। अज की जी फिल्म का नाम शिनाख्ती कार्ड, 6 जनवरी 1984 बरोज जिमा रिलीज़ होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म शिनाख्ती कार्ड। इस फिल्म का जोड़ा मोदू है वह सोशल है, लड़ाई भी है, मार कुटाई भी, और फिल्म के आखिर तक जो मैसेज दिता गया शिनाख्ती कार्ड के बारे वो जो तुम सुनोगे तो तुम बड़ा ही मज़ा आएगा। तो उस वक्त फिल्मा होंदियां सन उनके अंदर मैसेज भी होंदा सी। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान रई, आसिया, इकबाल हसन, अफजाल अहमद, सायका, अदीब, शाहनवाज, तंजीम हसन, सलीम हसन, नसरुल्ला भट, जहर शाह, अमरोजिया, आशा भोंसले, मीना दाऊद ते अली अजास। बगैर मैदान छड़ना बदलना ना काम ही अपरिया क्या छड़ दे ओए एक मैं कवर बना देगा देव कवर से सिर्फ। इस फिल्म दे अदद कारण एस ए जमशेरी, फिल्म साज अमान उल्ला जमशेरी, इस ते लिखारी सन डॉक्टर सलीम, ते दा म्यूजिक दिता है वजाहत अत्रे ने। इदे गुलकार नाइद अख्तर, मेनाज ते रजब अली, ते इस फिल्म के कैमरामैन अनिल भट्टी। इस फिल्म के अंदर अदाकार सुल्तान राय ने शेरू का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि एक बदमाश होंदा है। तुसीं इह वेख्या होगा कि जदों माशरे जुर्म वध जाने तो पुलिस आफिसर भी मुजरमां का रूप धार के मुजरमां के ग्रोह शामिल हो जाते हैं ताकि वो उस ग्रोह का सफाया कर सकन। इसी तरह का किरदार अदाकार सुल्तान रई ने अदा किया है। उस शेरू के बेस विच वह मुजरमां के ग्रोह शामिल होंदा है और एंड फिल्म के एंड दे पता चलता है कि शेरू बदमाश नहीं सी बल्कि एक पुलिस आफिसर सी। इस फिल्म के अंदर इकबाल हसन ते अफजाल अहमद ने मामे ते पांजे का किरदार अदा किया है और अफजाल का नाम राजू होंदा है और कोचवान होंदा है और वह भी जुर्म के खिलाफ इकबाल हसन और अफजाल अहमद ही जुर्म के खिलाफ होंदे ने। इकबाल हसन अपने प्यो के कतल तो बाद मुजरम की तलाश ही निकलता है और वो प्यो का जोड़ा कातल होंदा है वह सेठ अकबर होंदा है। सेठ अकबर का किरदार अदाकार शाहनवाज घुमन ने किया है। सिर्फ 2 मिनट बाकी रहेगा और तो बाद अकबर एक जराइम पेशा शख्स होंदा है, एक समगलर होंदा है, एक कातल होंदा है और गैर मुल्की सरगर्मियों के मुलवस होंदा है। और तंजीम हसन ने इस फिल्म के अंदर रॉकी का किरदार अदा किया है। रॉकी जिहड़ा सेठ अकबर का अलाकार होंदा है और जराइम शरीक होंदा है। और नाजरीन इकबाल हसन जिहड़ा होंदा है वह भी शेरू ने एक बदमाश समझदा है और अफजाल अहमद राजू नू जदों अगवा कर लिता जाता है और जेडे हीरे इकबाल हसन के कोल होंदे ने, अकबर ये डिमांड करता है कि वह हीरे लैके आए और अपने मामू राजू नू वापस लै जाए। इकबाल हसन आता है और आके अकबर दे नाल डील करता है लेकिन वह हीरे उहदे वाले नहीं करता, उन्होंने आपस ही लड़ाई हो जाती है। वह सेठ अकबर नू कतल करना चाहता है लेकिन शेरू आ जाता है और शेरू आके उसको बचा लेता है। मुनव्वर सईद ने इस फिल्म के अंदर पुलिस आफिसर का किरदार अदा किया है। हर जिले चो एक एक शिनाख्ती कार्ड भी बनवाया होया साहब बादर, यह देखो इसका मतलब है सानू हुकूम। और वो आके मुजरम नू गिरफ्तार कर लेता है। और इस फिल्म के अंदर यह दसा गया है शिनाख्ती कार्ड के बारे जो मैसेज दिता गया है वो ये वे कि उस वक्त चूंकि जराइम पेशा लोग आराम नाल शिनाख्ती कार्ड बनवा लेंदे, कोई सिस्टम नहीं होंदा सी,
ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਨ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।